नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का मौसम जानिए। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में आज मौसम विभाग ने हैवी रेन फॉल का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, बस्तर और कोंडागांव जिले में के एक दो जगहों पर प्रदेश में सोमवार को एक दिन बारिश की राहत के बाद से आज 30 जुलाई से प्रदेश में मानसून की बारिश का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश होगी, वहीं कुछ कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। 1 अगस्त तक प्रदेश में बारिश के हालात रहेंगे। जुलाई का दूसरा पखवाड़ा अब तक बारिश के लिहाज से अच्छा रहा है। इस दौरान राज्य में 579.3 मिली वर्षा हो चुकी है, जो औसत से 6% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक प्रदेश में औसत 544.6 मिली बारिश होनी थी, लेकिन बारिश उससे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा वर्षा बीजापुर में 1323.5 मिलीमीटर हुई, जो औसत से 110% ज्यादा है। 10 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई, 12 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों तक बड़ी मात्रा में नमी आएगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और आसपास एक चक्रवात तैयार हो रहा है। यह समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई तक है। एक मानसून द्रोणिका बीकानेर, अजमेर, रायसेन, मंडला, पेंड्रा रोड होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी तक है। इस सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बड़ी मात्रा में समुद्र से नमी आएगी। बिलासपुर में हो सकती भारी बारिश। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच सोमवार को रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना हो गया है। अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है, वहीं तापमान भी कम हो गया है। इधर मौसम विभाग ने मंगलवार से फिर से झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून सक्रिय है। 28 और 29 जुलाई को जिले में हल्की वर्षा दर्ज की गई। इससे पहले करीब एक सप्ताह में इतनी वर्षा हुई कि महीने भर की औसत वर्षा का कोटा भी पूरा हो गया, जबकि एक सप्ताह पहले तक की स्थिति में दर्ज की गई वर्षा पिछले 2 साल के मुकाबले बेहद कम थी। दुर्ग में 7 दिन की बारिश के बाद निकली धूप। दुर्ग जिले में एक सप्ताह से लगातार बारिश के बाद सावन के दूसरे सोमवार मौसम पूरी तरह से साफ रहा। सोमवार वहीं दोपहर में हल्की धूप भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में दुर्ग सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में और अधिक बारिश हो सकती है। भिलाई की बात करें तो यहां एक सप्ताह की बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सोमवार का दिन थोड़ा राहत वाला रहा। बारिश न होने से लोग मंदिरों में आसानी से पहुंचकर भोलेनाथ को जल चढ़ा पाए। साथ ही दिन भर मौसम खुला होने से लोग घरों से भी बाहर निकले। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री बलरामपुर में रहा, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। रायपुर में दिन का तापमान 28.7 डिग्री रहा। बिलासपुर में दिन का तापमान 27.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम था। वहीं दुर्ग में तापमान 26.8 डिग्री रहा, जो औसत से 4.5 डिग्री कम था। अंबिकापुर में पारा 30.9 डिग्री, जगदलपुर में 29.6 और राजनांदगांव में 27 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री बलरामपुर में रहा, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। रायपुर में दिन का तापमान 28.7 डिग्री रहा। बिलासपुर में दिन का तापमान 27.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम था। वहीं दुर्ग में तापमान 26.8 डिग्री रहा, जो औसत से 4.5 डिग्री कम था। अंबिकापुर में पारा 30.9 डिग्री, जगदलपुर में 29.6 और राजनांदगांव में 27 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।